Hello, everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So, in this video, I will be telling you some important questions of company law unit one. So, the first question is Meaning and characteristics of company. जो क्वेश्चन है ना कभी भी स्ट्रेट नहीं आता है ये क्वेश्चन है ना हमेशा वाला आता है। तो आपको ना सारे अच्छे से करके जाना है, जो main -main है, ना वो वाला है। एक तो वाला, एक वो एक या फिर आप बोल सकते लीगल एंटिटी तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके करेक्टरिस्टिक्स ये तो करके जाना और एक वो भी है परपेचुअल सक्सेशन तो ये जो है ना चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ के जाने हैं बहुत अच्छे से क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते ही हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऐसे देखो जैसे फर्स्ट है तो यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाने हैं कंपनी के कौन कौन से एक आर्टिफिशियल पर्सन परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको कंपनी क्या होता है वो समझाना है फिर उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स पर आए और फिर आप इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन दें ठीक है देखो फिर दूसरा स्टेटमेंट कैसा आ जाता है द एंटिटी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रेलिट केस लॉस तो यहाँ पे आपसे बोला है कि सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला आपको समझाना है कैरेक्टरिस्टिक

तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाना है कि एक प्लीमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है प्लेमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी करते हैं विद अ थर्ड था पार्टीज है ना ड्यूरिंग दूर, द प्रोमोशन ऑफ द कंपनी तो पहले आपको समझाना है कि प्लेमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं फिर उसका एग्जाम्पल देना फिर उसके बाद आप प्लीमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स पर आना ठीक है जैसे इसमें आप स्पेशल परफॉर्मेंस के बारे में भी लिखना जो इसके फीचर्स लिखोगे ना जब आप प्लेमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ठीक है तो ऐसे आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी एंड स्टेट द स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय इट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी तो यहां पे आपको सबसे पहले समझाना है कि एक प्राइवेट कंपनी क्या होता है ठीक है जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है ना कि सारे जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं शेयर के ट्रांसफर करने के फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितना होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट मेंबर का कितना होता है वो सारी चीजें लिख देना आपका डेफिनेशन उससे हो जाएगा फिर उसके बाद आपको लिखने स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब जो एग्जेम्पन्स गिवन है ना प्राइवेट कंपनी को वो लिख देना एग्जेपन या प्रिविलेजेस या फिर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे फीचर्स भी लिख सकते हो ठीक है फिर इसके बाद आपसे बोला है कि प्रोसेस लिखना है कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी टू अ पब्लिक कंपनी तो पूरा जो प्रोसेस होता है ना वो लिखना है यहाँ पे आपको जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन फिर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड ऑल्टर्ड आर्टिकल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो पूरे जो प्रोसेस है ना इसका कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी अराउंड फाइव सिक्स ही पॉइंट्स होंगे इसके वो लिखने हैं आपको ठीक है ना देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइंड पब्लिक कंपनी स्टेट द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इंटू अ प्राइवेट कंपनी तो ये उसका अपोजिट हो गया ना सबसे पहले आपको पब्लिक कंपनी क्या होता है वो समझाना है फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखना है वही अगेन की रेजोल्यूशन पास होता है फिर उसके बाद एक कॉपी ऑफ uh, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो विदिन थर्टी डेज हमको देना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फिर वो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है फिर होता है कि फाइलिंग कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल Uh, हमारा जो था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फिर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना है उसका फिर uh, डिडक्शन ऑफ मेंबरशिप्स और ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं बस वही लिखने हैं अराउंड आई थिंक सिक्स टू सेवन पॉइंट्स होंगे इसके भी uh, जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है इनका जो है ना कन्वर्जन पब्लिक टू प्राइवेट प्राइवेट टू पब्लिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी छोटा सा है ये तो ये ज़रूर करके जाना और इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस लिखना है टैबलेट फॉर्म में लिख देना काफ़ी अच्छे से कर सकते हो जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लिख दिया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिख दिया फिर उसके क्या कहते हैं uh, नाम के एंड में हमें लगाना होता है प्राइवेट लिमिटेड एक में पब्लिक लिमिटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो अराउंड एट टू टेन पॉइंट्स लिख देना डिफरेंस के कंप्लीट हो जाएगा आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन

अंडर विच कॉरपोरेट व्हील में लिफ्टेड सबसे पहले आपको समझाने की कॉरपोरेट व्हील क्या होता है फिर उसके बाद उसमें दो केसेज होते हैं ना एक तो जुडिशियल होता है और एक स्टैचुटरी तो आपको स्टैचुटरी वाले जो प्रोविजन है ना वो लिखने हैं यहाँ पे सिर्फ तो स्टैचुटरी के अंडर तो काफी सारे प्रोविजन है तो उसमें से आउट ऑफ अराउंड जितने भी हैं वो टेन टू ट्वेल्व उसमें से एट लिख देना ठीक है जैसे पहला है एक वो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए फिर एक होता है इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ कंपनी फिर एक होता है डिरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी फिर एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा वायर्स एक्ट उस पर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो वो सब करके जाना ऐसे ही आप जुडिशल के भी करके जाना अराउंड फोर टू फाइव कर लेना इनफ होगा क्योंकि उसका अलग से नहीं आता uh, आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है ना वो समझाओ और उसके कोई भी प्रोविजंस लिख दो तो आप फिर कोई भी लिख सकते हो मिक्स करके ठीक है लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको स्टेचुडरी वाले जो प्रोविजंस हैं वही लिखने हैं तो आप उसी में से अराउंड एट लिख देना देन नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हाट सकम द कोर्ट में डिसरिगार्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी तो ये कहाँ से क्वेश्चन है ये है कॉर्पोरेट व्हील वाले पार्ट में से क्वेश्चन ठीक है ना तो कॉर्पोरेट व्हील जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी वाले जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो अच्छे से करके जाना क्योंकि उसमें से एक पॉइंट से भी आपको पूरा क्वेश्चन आ सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द स्टेप्स इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी तो इधर आपको पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के जो स्टेप्स हैं ना पूरे समझाने की सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है एम सी ए की वेबसाइट पर फिर वहाँ पर आपको फॉर्म भरना होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है फिर उसके बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना होता है सारे अपने सब्सक्राइबर का फिर उसके बाद आपको ओ, क्या कहते हैं ई e ए और इओ e ए प्रिपेयर करना पड़ता है फिर फॉर्म नंबर आई 33 थर्टी थ्री आई एन सी थर्टी फोर बनाना होता है मतलब फिल करना होता है फिर जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ना जो फॉर्म के साथ लगते हैं जैसे कॉपी ऑफ पेन लगता है एड्रेस प्रूफ लगता है आईडी प्रूफ लगता है वो सारा जो है ना स्टेप लिखना पड़ेगा फिर लास्ट स्टेप हमारा वही है कि किस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाता है ठीक है ना तो ये हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अराउंड सिक्स टू सेवन स्टेप्स हैं वो लिख देना है आपने देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूसिवनेस ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सर कमेंट तो इधर आप सबसे पहले समझाना है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है फिर उसके बाद आपको बताने की जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू हो जाता है तो उसे ना कोई भी ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी ग्राउंड पे उसका जो वैलिडिटी है ना वो रहता ही है ठीक है ना वो समझा देना फिर उसके बाद कुछ इसके केसेस लिख सकते हो आप जैसे वो केस है ना एक जुबली कॉटन मिल्स एलटीडी वाला वो लिख सकते हो अगर वो केस याद है तो उसे थोड़ा सा समझा दो फिर आपका आंसर ना इससे कंप्लीट हो जाता है मतलब case, मतलब केस एग्जाम्पल हो सकता है ना इस पर्टिकुलर टॉपिक का तो वैसे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो दे नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द लीगल पोजिशन ऑफ अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी तो इधर सबसे पहले प्रमोटर ऑफ अ कंपनी समझा दो उसके रेम्यूनोरेशन के बारे में समझा दो एक एग्जाम्पल दे दो कोई सा भी प्रमोटर ऑफ अ कंपनी के लिए

तो जब ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आप समझाना कि प्रमोटर ऑफ अ कंपनी क्या होता है फिर आप जो स्टेटमेंट गिवन है उसको आंसर करना तो इधर जो स्टेटमेंट गिवन है आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना वो समझाना पड़ेगा ठीक है ऐसे ही टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो प्रमोटर ऑफ अ कंपनी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से करना क्योंकि इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यानी कि सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज एन इलीगल एसोसिएशन स्टेट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस तो इधर सबसे पहले इलीगल एसोसिएशन क्या होता है वो समझा देना फिर कौन कौन से आ, लोग मतलब अप्लाई नहीं कर सकते अंडर दिस वो कर देना फिर उसके बाद कौनसिक्वेंसिस ऑफ इलीगल एसोसिएशन जब एसोसिएशन इलीगल ही है तो उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा पार्टनर का तो ऐसे ही आप अराउंड सिक्स टू सेवन पॉइंट्स लिख देना कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ऑफ स्टैब्बलिशिंग अ इलीगल एसोसिएशन ओके सो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट वन के आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग